हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बात करने वाले हैं इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर वाले फ़ोन्स के बारे में, जो दोस्तों आपको 30,000 के अंदर देखने को मिलेगा। और सही फोन में आपको दोस्तों परफॉर्मेंस, बैटरी, डिस्प्ले और कैमरा अच्छा देखने को मिलेगा। 4K तक का वीडियो रिकॉर्डिंग करके देगा। सही फोन आपको 5G देखने को मिल जाएगा। और जितने भी फोन होंगे दोस्तों, सभी अलग अलग ब्रांड्स के होंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए दोस्तों। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगता है और अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करेंगे वीवो V25 5G के बारे में, जो कुछ आपको 28,000 के अंदर देखने को मिल जाएगा। 8GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ इसमें आपको मीडियाटेक डायमेंसिटी 900 देखने को मिलता है। परफॉर्मेंस आपको डिसेंट लेवल का देखने को मिलेगा। चिपसेट यहाँ पर आपको थोड़ा सा तगड़ा मिलना चाहिए था 28,000 के अंदर, लेकिन यहाँ पर आपको यही मिलता है। और दोस्तों यहाँ पर आपको 90Hz का AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलता है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर आपको इसी में देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर आपको कैमरा देखने को मिलता है, ट्रिपल कैमरा का सेटअप, रियर साइड में 64:8:2 का 4K वीडियो रिकॉर्डिंग करके देगा आपको फ्रंट और बैक दोनों साइड से। फ्रंट में आपको सेल्फी कैमरा 50MP का देखने को मिलता है। और दोस्तों यहाँ पर आपको कैमरा भी डिसेंट लेवल का देखने को मिल जाता है। 4500mAh की बैटरी देखने को मिलती है। और यहाँ पर आपको 44W का फास्ट चार्जिंग देखने को मिलता है। एंड्रॉयड 12 देखने को मिल जाएगा फ्रंट टच ओएस के साथ। LPDDR4 का रैम आपको यहाँ पर देखने को मिलता है इस फोन में। और UFS 3.1 का स्टोरेज देखने को मिल जाएगा। अच्छा फोन है, अगर आप इसके साथ जाना चाहें तो जा सकते हैं। वाटर ड्रॉप नॉच आपको देखने को मिलता है इसमें। यहाँ पर आपको प्राइस कटिंग देखने को मिल जाता है। और इसमें दोस्तों आपको सिंगल स्पीकर ही देखने को मिलता है। हम लोग का अगला फोन है ओप्पो रेनो 8 5G। ये फोन दोस्तों आपको 30,000 के अंदर देखने को मिलता है। 8GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ यहाँ पर दोस्तों आपको मीडियाटेक डायमेंसिटी 1300 देखने को मिलता है, जिसमें आपको परफॉर्मेंस आपको बढ़िया देखने को मिलता है। BGMI जैसे गेम तो आप आसानी से खेल पाएंगे। इसमें कोई भी दिक्कत और कोई भी इशू आने वाला नहीं है। मल्टीटास्किंग भी करना चाहें तो आप आसानी से कर पाएंगे। साथ ही दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर इस फोन के डिस्प्ले के बारे में, तो 90Hz का आपको AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलता है गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोडक्शन के साथ। तो डिस्प्ले भी आपको डिसेंट लेवल का देखने को मिल जाता है। कैमरा यहाँ पर आपको 3 देखने को मिलता है पीछे की साइड, 50:8:2 का। यहाँ पर 4K वीडियो रिकॉर्डिंग करके देता है 30fps पर सिर्फ और सिर्फ रियर साइड से। सेल्फी शूटर यहाँ पर आपको 32MP का देखने को मिलता है, अच्छा खासा सेल्फी भी निकाल कर देता है। 4500mAh की बैटरी आपको इस फोन में देखने को मिल जाएगी दोस्तों। और 80W का फास्ट चार्जिंग देखने को मिलता है। एंड्रॉयड 12 के साथ आपको यहाँ पर कलर ओएस देखने को मिलता है। थोड़े बहुत ब्लॉटवेयर्स आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। साथ दोस्तों इसमें आपको LPDDR4X का रैम और UFS 3.1 का स्टोरेज देखने को मिलेगा। तो स्टोरेज और रीडिंग का प्रोसेस भी आपको फास्ट ही देखने को मिलेगा। साथ ही आपको यहाँ पर 12 5G बैंड्स का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। तो एक अच्छा फ़ोन है दोस्तों। अगर आप प्रीमियम लुक के साथ एक फ़ोन चाहते हैं तो इसके साथ जा सकते हैं। अच्छा खासा स्टाइलिश लुक देखने को मिलता है। और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर तो आपको इसमें देखने को मिलेगा ही। अगला फोन है दोस्तों हम लोग का OnePlus Nord 2T। ये फोन दोस्तों आपको 27,000 के अंदर देखने को मिल जाएगा। 8GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ ओप्पो रेनो 8 का क्लोन जैसा आपको ये फ़ोन देखने को मिलता है। फीचर्स आपको लगभग मिलता जुलता देखने को मिलता है। इसमें दोस्तों आपको मीडियाटेक डायमेंसिटी 1300 देखने को मिलता है। तो परफॉर्मेंस आपको इसमें भी डिसेंट लेवल का देखने को मिल जाएगा। इसमें आपको 90Hz का AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलता है और गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोडक्शन देखने को मिलता है। HDR10+ का सपोर्ट देखने को मिलता है। और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर तो आपको इस फोन में भी देखने को मिल जाएगा। गेमिंग के लिए ये फोन भी अच्छा है। अगर आप गेमिंग के लिए लेना चाहते हैं OnePlus की तरफ से फोन, तो इसके साथ भी आप जा सकते हैं। साथ ही कैमरा के बारे में बात करते हैं तो ट्रिपल कैमरा का सेटअप आपको रियर साइड में देखने को मिलता है 50:8:2 का। 30fps पर आपको 4K वीडियो रिकॉर्डिंग करके देता है। OIS का सपोर्ट देखने को मिलता है इसमें। साथ ही 32MP का सेल्फी शूटर देखने को मिलता है। तो डिसेंट लेवल का आपको कैमरा इस फोन में देखने को मिल जाता है। और दोस्तों यहाँ पर आपको एंड्रॉयड 12 देखने को मिल जाता है और ऑक्सीजन ओएस के साथ देखने को मिलता है। डुअल स्पीकर का सपोर्ट आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। 7 5G बैंड्स आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। ये फोन दोस्तों एक अच्छा फोन है गेमिंग के लिए। अगर आप OnePlus की तरफ से एक फ़ोन लेना चाहते हैं तो आप इसके साथ भी जा सकते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट फोन के बारे में, मोटोरोला Edge 30 5G। ये फोन दोस्तों आपको 25,000 के अंदर देखने को मिलता है। 6GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ LPDDR5 का रैम और UFS 3.1 का स्टोरेज देखने को मिलता है। परफॉर्मेंस आपको यहाँ पर बढ़िया देखने को मिलने वाला है, क्योंकि इसमें आपको स्नैपड्रैगन 778G+ प्रोसेसर देखने को मिलता है। गेमिंग के लिए अगर आप एक फ़ोन लेना चाहते हैं मोटोरोला की तरफ से 30,000 के अंदर, तो आप इसके साथ जा सकते हैं। साथ दोस्तों 144Hz का आपको OLED डिस्प्ले देखने को मिलता है गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोडक्शन के साथ। तो यहाँ पर आपको डिस्प्ले भी बढ़िया देखने को मिलता है। कैमरा के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर आपको ट्रिपल कैमरा का सेटअप देखने को मिलता है 50:50:2 का। और यहाँ पर आपको सेल्फी शूटर देखने को मिलता है 32MP का। कैमरा यहाँ पर आपको अच्छा देखने को मिलता है, 4K वीडियो रिकॉर्डिंग करके आपको दोनों साइड से देता है 30fps पर। साथ ही 4020mAh की बैटरी देखने को मिलती है। 33W का फास्ट चार्जिंग देखने को मिलता है। स्टूडियो स्पीकर आपको देखने को मिलता है। एक अच्छा फोन है ये भी। इसके साथ आप जाना चाहें तो इसके साथ भी जा सकते हैं। और सही फोन का लिंक मैं आपको दे दूंगा, तो वहाँ से आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं।
और हम लोग का अगला फ़ोन है दोस्तों Realme ZTE Neo 3T। ये फ़ोन एक लेटेस्ट फ़ोन है Realme की तरफ से और इसमें आपको 6 GB रैम और 128 GB इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल रहा है 26,000 के आसपास, जिसमें दोस्तों आपको परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार देखने को मिलने वाला है, क्योंकि दोस्तों इसमें आपको स्नैपड्रैगन 870 देखने को मिलता है, LPDDR4 का रैम और UFS 3.1 का स्टोरेज देखने को मिलता है। गेमिंग के लिए एक फ़ोन लेना चाहते हैं Realme की तरफ से तो आप इसके साथ भी जा सकते हैं। और दोस्तों इसमें आपको 120Hz का AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल जाता है और गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाता है, तो डिस्प्ले आपको बढ़िया देखने को मिलता है, गेमिंग के लिए एक बढ़िया डिस्प्ले देखने को मिलता है। साथ दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर कैमरा के बारे में, तो ट्रिपल कैमरा का देखने को मिलता है सेटअप रियर साइड में, 64, 8 और 2 का 4K वीडियो रिकॉर्डिंग करके देगा आपको रियर साइड से, 16 MP का आपको सेल्फी शूटर देखने को मिलता है, 5000mAh की बैटरी और 80W का फास्ट चार्जिंग देखने को मिलता है और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर तो आपको इसमें भी देखने को मिलता ही है। अगर आप इसके साथ जाना चाहें दोस्तों तो जा सकते हैं और लिंक आपको सही फ़ोन का देखने को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट फ़ोन के बारे में। अगर दोस्तों आप एक नॉन चाइनीज फ़ोन लेना चाहते हैं तो आप इसके साथ जा सकते हैं सैमसंग गैलेक्सी S20 FE 5G के साथ जा सकते हैं। 30,000 के अंदर आपको ये फ़ोन देखने को मिलता है 8 GB रैम और 128 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ, LPDDR5 और UFS 3.1 का स्टोरेज देखने को मिलता है। परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आपको मिलता है स्नैपड्रैगन 865, परफॉर्मेंस में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। एंड्रॉयड 11 आपको देखने को मिलेगा और सैमसंग वन UI आपको देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर आपको डिस्प्ले 120Hz का देखने को मिलता है, सुपर एमोलेड देखने को मिलता है और डिस्प्ले आपको बढ़िया देखने को मिलता है, तो गेमिंग आप आसानी से इसमें कर पाएंगे। कैमरा के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर आपको ट्रिपल कैमरा का सेटअप देखने को मिलता है 12-12-8 का, 4K वीडियो रिकॉर्डिंग करके देता है आपको दोनों साइड से। और दोस्तों इसमें आपको 32 MP का सेल्फी शूटर देखने को मिलता है। बात करें अगर इस फोन के बैटरी के बारे में तो 4500mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है और 25W का फास्ट चार्जिंग देखने को मिलता है। डुअल स्पीकर आपको इस फोन में देखने को मिल जाएगा, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर तो आपको इसमें देखने को मिलेगा ही। एक बढ़िया फोन है, आप नॉन चाइनीज फोन एक लेना चाहते हैं तो आप इसके साथ जा सकते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट फोन के बारे में, जो कि दोस्तों आज का हम लोग का लास्ट फोन होगा और सबसे टॉप परफॉर्मेंस के साथ देखने को मिलने वाला है IQ9SE। ये फोन दोस्तों आपको 30,000 के अंदर देखने को मिलता है 8 GB रैम और 128 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। रैम यहाँ पर आपको LPDDR5 का और स्टोरेज UFS 3.1 का देखने को मिल जाता है। स्नैपड्रैगन 888 यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। परफॉर्मेंस यहाँ पर आपको बढ़िया देखने को मिलने वाला है दोस्तों, 8.5 लाख के आसपास आपको अंततः स्कोर भी देखने को मिलता है। परफॉर्मेंस का अंदाज़ा आप यहाँ से भी लगा सकते हैं। 120Hz का आपको AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलता है, तो गेमिंग आसानी से आप कर पाएंगे, कोई भी इशू नहीं आने वाला है। साथ दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर इसके कैमरा के बारे में, तो 48MP के साथ 13MP और 2MP का देखने को मिलेगा रियर में, ट्रिपल कैमरा का सेटअप और 4K वीडियो रिकॉर्डिंग करके देता है आपको 30fps पर, 16MP का सेल्फी शूटर देखने को मिलता है। और दोस्तों यहाँ पर आपको 4500mAh की बैटरी देखने को मिलती है, 66W का फास्ट चार्जिंग देखने को मिलता है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर आपको इसमें देखने को मिलेगा, SD कार्ड का स्लॉट आपको देखने को नहीं मिलेगा, बाकी दोस्तों आपको डुअल स्पीकर इसमें देखने को मिल जाएगा। एक बढ़िया फ़ोन आपको ये भी देखने को मिलता है 30,000 के अंदर। आप सातों फ़ोन में से किसी एक फ़ोन के साथ जा सकते हैं, अगर आपको सातों लेना है तो सातों भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको एक चाहिए और गेमिंग के लिए चाहिए तो आप इस फ़ोन के साथ जा सकते हैं लास्ट वाले फ़ोन के साथ। साथ ही दोस्तों आपको सातों फ़ोन में से कौन सा फ़ोन ज़्यादा अच्छा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो से कोई भी शिकायत हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, साथ ही वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।